का खेला बेला हो चुका है। जिसके पास पैसा है सिर्फ वही शिक्षा का अधिकार उसी है, सिर्फ गरीब इंसान को शिक्षा का अधिकार भी नहीं। पेपर दोबारा कराया जाए और जो एनटी है उस पर तुरंत जांच शुरू कराई जाए, और अब तो मैं मानता हूँ एनटी जो आला अधिकारी है उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए। नमस्कार, मैं सुरभ कुमार, देख रहे हैं जनहित आवाज, देख रहे हैं गांव में आक्रोश है। नीट घोटाला किस तरह गांव में आक्रोश है, तो अगर अपने देश के युवा यहाँ पर एक कांग्रेस युद्ध करता है क्या लग रहा है? से चाहूंगा कि वो दिखाए किस तरह से युवा यहाँ पे और ये जो नीट घोटाला हुआ है उसको लेकर बिल्कुल पैसे का खेला बेला हो चुका है। जिसके पास पैसा है सिर्फ वही शिक्षा का अधिकार उसी है, सिर्फ गरीब इंसान को शिक्षा का अधिकार भी नहीं। देश में तो मोदी जी ने सबसे बड़ा अगर जीएसटी की बात करें तो शिक्षा पे 18% जीएसटी लगती है, पर शिक्षा कहाँ मिल रही है? हमारे लॉस एंजेलिस में पहले 3,000 फीस होता है, 6,000 फीस है, पीने का पानी नहीं है, वहाँ पे एसी नहीं है, जो 3,000 रुपए में एसी हो जाते थे किसी टाइम पे, आज उसमें एसी नहीं है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से युवाओं में आक्रोश देखने को मिल रहा है, और जो नीट
पे कर रहे हैं उसको लेकर री एग्जाम की बात की जा रही है। और एक युवा साथी मैं उनसे बात करूंगा कि आप देख सकते हैं कि मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि इधर एक बार दिखाए कि इतना ज्यादा प्रिंसिपल यहाँ पर लगी है। जो बताइए युवा जो नीट का परीक्षा दिए और सोचिए जो लगातार कई सालों से मेहनत किए उनका एग्जाम जो होता है और वो सिर्फ और कुछ नहीं कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि हमें दोबारा पेपर देने की अनुमति दी जाए। जो पेपर बने हुए उसके लिए जो मोदी गवर्नमेंट है तमाम ऐसे शिकस्त और तमाम यहाँ पर जो चीजें उनके तरफ से गाड़ियाँ रखी गई है कि इनको डिटेन करके ले जाकर छोड़ दिया जाए, ये आजाद भारत की ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से है। तो इस देश में जो युवा देश के भविष्य माने जाते हैं वो अपनी आवाज तक नहीं उठा पा रहे, वो भी शिक्षा पेपर दोबारा कराया जाए और जो NTA है नीट का पेपर दोबारा कराया जाए और जो NTA उस पर तुरंत जाँच शुरू कराई जाए। और अब तो मैं मानता हूँ NTA जो आला अधिकारी है उनकी भी तुरंत गिरफ्तारी होनी चाहिए, जिस तरीके से कल उनके डेप्यूटी सुप्रिंटेंडेंट को गिरफ्तार कराया उसका आरोप लगे में ये युवा अपने भविष्य लोगों के लिए चिंता है। तो इस पूरे बातचीत पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। शुक्रिया।